पहला वीडियो में मैं बताया था आधा पेंट बनाने के लिए, इस वीडियो में पूरा फुल पेंट बनाना बताऊंगा। हमने इसमें ओवरलॉक कर लिया है, अब ऊपर से किनारी का सिलाई मार देंगे। सबसे पहले चैन का पल्ला अटैच कर लेंगे। ये चटका है हमारा, ये चटका यहाँ पे रहेगा, यहाँ पकड़ लेंगे, एक मार्क यहाँ लगा लेंगे, चैन को खोल लेंगे। ये मार्क के ऊपर ये मार्क है हमारा, यहाँ से हम चैन को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे अच्छा सा टाँका मार लेंगे, किनारी का सिलाई मार लेंगे। ज़्यादा ही चैन में सटे ना, अगर चैन में सट जाएगी तो क्या चैन जल्दी खराब हो जाएगी। अभी हमको पूरा सिलाई नहीं मारना है, ये जो गोल्डन कलर है यहाँ से जो दिख रहा है यहीं तक सिलाई मारना है, यहाँ तक तो खुला रहेगा। इतना खुला रहेगा ताकि हम यहाँ पे पल्ला अटैच करेंगे ना फ्रंट दोनों पल्ला, तो यहाँ पे अच्छा बैठेगा, पलाई गोल करने में बहुत अच्छा, बहुत आराम होगी। यहाँ से एक किनारी का सिलाई ले लेंगे, दोनों कपड़ा को ऐसे खींच लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे थोड़ा टांका मार लेंगे, किनारी का सिलाई। बेल्ट अटैच करेंगे, ये हुक को ये चैन के पास रखेंगे, ये चैन चैन से थोड़ा ये साइड रखेंगे, यहाँ पकड़ लेंगे, ये पल्ला ऐसे पकड़ लेंगे, यहाँ मिला लेंगे, पे दो दांत पकड़ेंगे। ये कलाई का कपड़ा कट कर लेंगे, चल काटी को कपड़ा ऐसे लेंगे, यहाँ पे एक जर्मी सिलाई मार लेंगे, यहाँ पे थोड़ा कपड़ा कट कर लेंगे, इसको हम पलटी कर लेते हैं। ये वॉच पैकेट यहाँ है, यहाँ से हम सिलाई पकड़ेंगे, ऊपर के हिस्सा में बिल्कुल जर में सिलाई मारेंगे, सिलाई दिखना नहीं बाहर। ये हमने जर में मार लिया सिलाई, ये वॉच पैकेट के बिल्कुल सीधा कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, कहीं पर रिंकल नहीं आना। यहाँ पकड़ लेंगे, यहाँ ऐसे पकड़ेंगे, ये पल्ला को खोल लेंगे, और मशीन को यहाँ पे यहाँ से एक सिलाई मार लेंगे, जो हमारा ये वॉच पैकेट है अटैच हो जाएगी। ये बेल्ट का हिस्सा ऊपर जाएगा, पल्टी जो होती है वो ऊपर जाएगी। ये हिस्सा ऊपर जाएगी, अब हम पल्ला को ज्वाइन कर लेते हैं। हमने ये चटका लगाए थे, यहाँ तक कपड़ा ज़्यादा बढ़ के लग
कपड़े को फालतू रखे यहाँ पे, ताकि कभी भी यहाँ पे अगर टाइट हो जाए किस तक, तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ढीला कर सकते हैं। आधा में डबल स्लैम मार, ये नीचे का बॉटम मोड़ी है, मोड़ी को अच्छा से पहले चिरगा कर लेंगे, परेस से कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अभी आपको दिखाने के लिए मैं नाखून से मार के इसको फोल्ड करेंगे। ये पल्ला दोनों को देखने में बराबर है या नहीं, हमारा दोनों पल्ला बराबर है। इसको अच्छा से नाखून मार लेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा कि परेस से अच्छा से तोड़ लेंगे, फिर इसके बाद इसका आधा फोल्ड करेंगे, आधा फोल्ड करके ऊपर से 1 इंच का सिलाई मारेंगे, सिलाई रहेगा ऊपर की हिस्सा में। बिल्कुल सिलाई एक जैसा रहेगा, कहीं पे भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहेगा, एक जैसा सिलाई रहेगा। तो हम दोनों पल्ला को ज्वाइन कर लेते हैं। सबसे पहले कमर को मार्क लगा लेते हैं। कमर है हमारा 39, 39 इंच कमर है हमारा। ये हुक से हम लेंगे, ये हुक से यहाँ तक 39 का आधा आता है, 39 का आधा 19 आता है, 19 पे मार्क लगा लेंगे। दूसरा पल्ला हमने पहले से बना रखे हैं, ये पल्ला लेंगे, ये हुक के पास, ये हुक के पास से लेंगे, 19 पे मार्क लगा लेंगे। एक फलाई जिसमें चैन अटैच नहीं है उसको सीधा कर लेंगे, यानी जिधर पर बढ़ती पल्ला, ये हुक का बढ़ती पल्ला रहेगा, उधर को हम सीधा कर लेंगे, इसके अंदर डाल लेंगे, डाल करके दोनों को झटक के बराबर कर लेंगे। अब ये मार्क हमारा कमर का जो मार्क है, ये मार्क में दोनों मिला के एक सिलाई अटैच कर लेंगे। यहां से थोड़ा क्रॉस कर लेंगे, ऐसे हम पलटी करके देख लेंगे दोनों बेल्ट का ज्वाइंट में ज्वाइंट मिला है या नहीं। देखिए दोनों एक जैसा है। अब यहां पकड़ेंगे, ये फलाई को यहां पकड़ लेंगे, यहां पकड़ेंगे, अभी यहां यहां से हम सिलाई मारेंगे, सिलाई रहेगा वही आधा इंच में, थोड़ा कम रहेगा, आधा इंच में एक सूत कम रहेगा।
अभी यहाँ तक सिलाई मारेंगे। यहाँ पे हमेशा तीन ही सिलाई मारिएगा, इससे क्या होता है यहाँ पे ज़्यादा जल्दी फट जाती है और यहाँ पे ज़्यादा कंप्लेन भी आते हैं, कस्टमर लोग बोलते हैं कि यहाँ पे फट जाती है। अब इसको हम बिल्कुल धार कट कर लेंगे। इसको चक्का मार लेंगे। इसका आधा फोल्ड करेंगे, जितना कपड़ा है हमारा उतना ही फोल्ड करेंगे इसका आधा, उसके बीच में सिलाई। अब ये पल्ला को हल्का इतना फोल्ड करेंगे, धागा उतार करेंगे। ये चटका मार लेंगे, यहाँ क्रॉस कर लेंगे। अब हम इसको चैन अटैच करेंगे। चैन को बिल्कुल पहले बंद कर लेंगे, ये पल्ला ऐसे देखेंगे। ऐसे सीधा सिलाई लगा, ये हमारा चैन ये सिलाई से एक बराबर रहे, चौला पतला ना हो। ये चैन को बंद करके दूसरा सिलाई भी लगा लेंगे, तो चैन के ऊपर दो सिलाई रहेगी। अभी इसको हम ऐसे पलटी कर लें। यहाँ ऐसे कपड़ा पकड़ेंगे, देखेंगे हमारा सिलाई कहाँ तक बैठ रहा है, अच्छा बैठ रहा है या नहीं, कहीं पे भी बीच में रिंकल नहीं आना चाहिए। यहाँ हमारा सिलाई का ये 1.5 इंच रहेगा चौड़ाई, सिलाई 1.5 इंच रहेगा। ये जो चैन का पल्ला है ये ऐसे पलटी कर लेंगे ताकि हमें सिलाई मारने में तकलीफ ना हो। और यहाँ पे ऐसे गोलाई में लगा लेंगे मार्क, चौकी से यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे, एक मार्क के ऊपर हम सिलाई मार लेंगे। ये नीचे का एक पल्ला है ना ऐसे चीर लेंगे। चैन को थोड़ा खोल बंद कर लेंगे, नीचे का पल्ला। यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पे थोड़ा 2-3 बार सिलाई मार दीजिएगा, इससे क्या है बहुत मजबूत रहेगी, फटेगी नहीं। ये हमारा सिलाई गोल हो गया। यहाँ पे आराम बेल्ट कर लेते हैं, बेल्ट का सिलाई लगा लेते हैं। ये सिलाई बेल्ट को ऐसे पकड़ लीजिएगा, ये कपड़ा हल्का फोल्ड कर लीजिएगा, चैन ऐसा दिखना चैन के पास। यहाँ से हम किनारी का सिलाई लेंगे, दोनों पल्ला बराबर कर लेंगे ताकि दोनों पे सिलाई लगे।
मतलब आपको ऐसे छेद देने हैं, ये दोनों ज्वाइंट में ज्वाइंट मिलेगा। हमारा जो आज पैकेट है यहीं तक सिला रहेगा। अब लूप को अटैच कर लेंगे। ये पल्ला को पहले हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे फोल्ड करके ये लूप देखेंगे कि जहाँ पे हमारा बैठ रहा है वहाँ पे बैठ के किनारी का सिलाई लगा लेंगे। दो तीन सिलाई मार लीजिएगा, इससे क्या है लूप मजबूत रहेगी, बेल्ट लगाते समय फटेगी नहीं, खुलेगी नहीं। सब लूप को ऐसा ही करेंगे हम, कि लूप ज़्यादा टान ना आए इसमें। जहाँ बैठ रहा है लूप वहीं बैठा के आप सिलाई मारेंगे और बिल्कुल सीधा रहे लूप। अगर लूप क्रॉस जाएगी तो फिनिशिंग खराब हो जाएगी पैन का। धागा कट कर लेंगे, पल्ला को पलटी कर लेंगे। ये हमारा पैंट का उल्टा हिस्सा हो गया, इसको पलटी करके देखते हैं। देखिए ये हमारा पैंट बन गया। इस पे प्रेस लगेगा तो अच्छा दिखेगा, अभी इसमें प्रेस लगी नहीं है इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा है। प्रेस लगने के बाद इसको ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कुछ भी इसमें समझ में ना आए तो आप हमको पूछ सकते हैं। प्रेस मारने के बाद कुछ पैंट हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा बैक पॉकेट, ये देखिए इस तरह का फिनिशिंग दिखेगा प्रेस मारने के बाद। ये हमारा पूरा पैंट का लेंथ हो गया, अब ये देख सकते हैं ऐसा दिखेगा। ये बूट कट पैंट हुआ।